हदीस का। अजीज हाथ उठाए हुए हैं, इनको अनम्यूट। अस्सलाम वालेकुम जी। सवाल है कि मेरे हस्बैंड मुतालबा करते रहते हैं कि अच्छे से अच्छे खाने बनाओ, तुम अगर चावल सालन तरकारी बनाओ तो नहीं, उनको वापस स्पेशल आइटम चाहिए घड़ी घड़ी। तो मुझे अगर दीन की तालीम थोड़ी सी बढ़नी है तो उनको लगता है नहीं, पहले मेरी फरमाइश पूरी करो, बाद में तुम अपना ये सब करो, जिसके लिए मुझे वक्त ही बिल्कुल नहीं मिलता। तो मैं अगर उनकी फरमाइश पूरी नहीं करती हूँ तो क्या मैं गुनहगार होंगी? थोड़ी सी अगर मुझे दीनी तालीम हासिल करना है तो वक्त मुझे अपना निकालना पड़ता है, तो मैं उनको मना करती हूँ कि थोड़ा सिंपल खाना खाएंगे तो मुझे थोड़ा वक्त मिलेगा, तो वो नाराज हो जाते हैं कि नहीं मुझे तो स्पेशल खाना चाहिए, मैं क्यों कमाता हूँ ऐसे करके। भाई आप उनको खुश करने के लिए स्पेशल खाना बना सकती हैं और इंशाल्लाह उसके बावजूद आपके पास वक्त बचेगा। स्पेशल खाना बनाने के लिए भी बहुत कई घंटे तो नहीं चाहिए। नहीं, वो सुबह में, दोपहर में, शाम में, रात में मुतालबा करते रहते हैं। अभी शाम में बैठे रहेंगे तो अभी ये बना दो, अभी वो बना दो, बनता रहता है, उनका लिस्ट चालू रहता है। हाँ भाई, वो घर में रहते हैं या बाहर जाते हैं काम के लिए? अभी तो लॉकडाउन में घर में है फुल टाइम। लॉकडाउन में, ठीक है, लॉकडाउन में घर में है। लॉकडाउन तो हमेशा नहीं रहेगा और न था, अभी तो 4 महीने से शुरू हुआ है, उससे पहले भी यही बातें रही होंगी। हाँ, उससे पहले भी उनको जब देखो रोज मीठे चाहिए, रोज मीठा स्पेशल, कुछ ना कुछ बनते हैं। कोई बात नहीं है, तो देर से पहले, लॉकडाउन से पहले वो बाहर जाते थे, आपका वक्त फ्री होता था, जब रहते थे तभी मशगूलियत होती थी। तो इस तरीके से आप जो दीनी तालीम हासिल करना चाह रही हैं, आप उनका काम निपट करके भी इंशाल्लाह आपके वक्त में अल्लाह ताला बरकत देगा। आप शौहर को खुश रखने की कोशिश करें, जज्बत मत ना हो कि हमेशा मुतालबा करते रहते हैं, फला करते रहते हैं। नहीं, जिस कदर खुशदिली से आप काम करेंगी शोहर आपसे मुतमईन होगा और मैं समझता हूँ आपके दर्द को भी समझेगा कि ये इस जरूरत से ज्यादा हम इस पर बोझ न डालें कि मुख्तलिफ क्वालिटी इतनी ला रहे हैं कि वो उनके लिए करना मुश्किल हो जाए, तो आपके दर्द को समझेगा। बस खुशदिली के साथ आप उनके साथ पेश आते रहें, आप जज्बत होने का मामला ना रखें, तो इनशाला वो आपके दर्द को समझेगा और एक हद तक ही वो आपको उसका मुकल्लफ करेगा। इनशाला ऐसे ही आइटम तलब करेगा कि आप आसानी से कर सकें इनशाला। तो उनको खुश रखने की बहरहाल कोशिश कीजिए, वक्त में अल्लाह ताला बरकत देगा कि शोहर को खुश रखना भी बड़ी वक्त में, यानी हर एतबार से बरकत का बाइस है।